भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी सरफराज खान ने क्रिकेट की दुनिया में मचा दिया है तहलका, बना दिया है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। केवल इतनी ही गेंदों का सामना करते हुए 154 की औसत से कूद डाली है 928 रन, फिर भी टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है सरफराज खान को। दोस्तों, बल्लेबाजी का पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट में जय हिंद लिखें। दोस्तों, फर्स्ट क्लास मैचों में मैच की बात करें तो 2019-2020 में 154 की औसत से सरफराज खान ने 928 रन कूद डाले हैं। उसके बाद 2021-2022 फर्स्ट क्लास मैचों में 122 की औसत से 982 रन कूद डाले थे। दोस्तों, सरफराज खान ने कुल मिलाकर 37 फर्स्ट क्लास मैचों की 53 पारियां खेली हैं, जिसके दौरान 3,500 से भी ज़्यादा रन कूद डाले हैं, जिसमें से 13 शतक जड़ चुके हैं। दोस्तों, आप भी अंदाज़ा लगाइए, मात्र 37 मैचों में से 13 शतक हैं और 9 हाफ सेंचुरी हैं और एक दोहरा शतक भी शामिल है, फिर भी सरफराज खान को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहे हैं। टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है, मगर दोस्तों अब उम्मीद है, क्योंकि सुरेश अय्यर चोट की वजह से बाहर हो चुकी है और अब बॉर्डरगावा के ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे सरफराज खान। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस खिलाड़ी को जगह मिलनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखें।